हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ध्यान रख रहे हो। सो आज मैं वापस आ गई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड रीडिंग के साथ। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ आपकी पर्सन की करंट एनर्जी फीलिंग क्या है आपके लिए, आपके इस कनेक्शन के लिए, एंड ऑल्सो आपके लिए कुछ जनरल एडवाइस। ठीक है, सो आपके सामने तीन पाइल्स हैं, आपको उस पाइल में से चूज़ करना है। दिस इज़ पाइल नंबर वन, कंट्रोल। ठीक है, ये है नंबर एट। सो आप नंबर से चूज़ कर सकते हैं, आप पाइल्स के इमेजेस से चूज़ कर सकते हैं, आप डेफिनेशन से चूज़ कर सकते हैं, एज़ यू लाइक। दिस इज़ पाइल नंबर टू, ओपन अप, जो कि है नंबर फोर। ओके, एंड दिस इज़ पाइल थ्री, जो है नंबर थ्री, नेचर। सो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, आप अपना टाइम लेके चूज़ कर सकते हैं, यूज़ योर इंट्यूशन, एंड आपको जैसे मर्जी उतना टाइम लेके उसी हिसाब से आप अपने पाइल्स को चूज़ करें। दिस इज़ पाइल वन, दिस इज़ पाइल टू, दिस इज़ पाइल थ्री। ठीक है, एंड याद रखना है ये एक जनरल रीडिंग है, सो जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है इस रीडिंग से। एंड मेरे बारे में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सो आई स्टार्ट विथ माई पाइल नंबर वन, एंड आज हम लोग देखेंगे कि आपकी पर्सन इस कनेक्शन के लिए करंटली क्या फील करते हैं, एंड एनर्जीज क्या है उनका, क्या सोचते हैं वो ऑल्सो, एंड अगर ये एक्शन लेंगे या नहीं। ठीक है, सो जितना मैसेजेस हो सके बेसिकली हम लोग उतना ही देखेंगे। सो योर पाइल नंबर वन, यू आर माई नंबर एट, विच इज़ कंट्रोल। ठीक है, आई पुट इट हियर, कंट्रोल। ठीक है, सो पाइल नंबर वन, इस पर्सन की करंट एनर्जी फीलिंग्स क्या है आपके लिए या आपके इस कनेक्शन के लिए। ओके, नाइट ऑफ कप्स, इंटरेस्टिंग। इस पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, फीलिंग्स क्या है आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, स्पिरिट। ओके, आई एम गेटिंग एज डिफरेंस, कुछ लोगों का यहाँ पे एज डिफरेंस है। मे बी एज डिफरेंस आपके रिलेशनशिप में एक प्रॉब्लम था, या मे बी आपके पार्टनर आपसे थोड़े से एज में बड़े हैं, या एज उनका थोड़ा सा कम है। ओके, आई ऑल्सो हैव द किंग ऑफ कप्स बट इट डिड नॉट फॉल आउट। एनीवे, सो लेट्स सी, आपके लिए जो तीन कार्ड्स है दैट इज़ द नाइट ऑफ कप्स, द सेवन ऑफ व्हील्स एंड द नाइन ऑफ कप्स। ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल एनर्जी पाइल नंबर वन। सो बेसिकली ये पर्सन क्या सोचते हैं, आई थिंक ये पर्सन, आप इस पर्सन के लिए एक, आई एम हियरिंग लग्जरी। सो कुछ लोगों के लिए इस पर्सन को लग्जरियस चीज़ें पसंद है, या आपको लग्जरियस चीज़ें पसंद है, या फिर ये पर्सन बहुत ही मटीरियलिस्टिक है। इस पर्सन को लाइक मटीरियल चीज़ें बहुत अच्छे लगते हैं, गिफ्ट्स हो, अच्छे जगहों पे जाना, अच्छा खाना खाना, अच्छे रेस्टोरेंट्स, ब्रांडेड क्लोथ्स, समथिंग लाइक दैट। कुछ लोगों के लिए रेजोनेट कर सकता है ये मैसेज, बट आई थिंक ये पर्सन जो चाहते हैं इस वक्त वो है, ये आपको जितना बार देखते हैं या आपके बारे में लाइक ये देखते हैं, मे बी रियल लाइफ में, मे बी पिक्चर्स में, या फिर जब ये सोचते हैं आपके बारे में, इस पर्सन को लगता है आप लाइफ में बहुत कुछ डिज़र्व करते हो। ठीक है, आई डोंट नो वाई, मे बी आप एक बहुत अच्छे पर्सन हो, मे बी आप इस पर्सन से भी ज़्यादा रिच हो, मे बी आप बहुत हेल्पफुल हैं, ये भी हो सकता है, बट दिस पर्सन डेफिनेटली फील्स दैट यू डिज़र्व अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ। आप बहुत अच्छे अच्छे लाइक जगहों पे जाना डिज़र्व करते हो, आप अच्छा फ्रेंड्स डिज़र्व करते हो, आप प्यार डिज़र्व करते हो, रेस्पेक्ट डिज़र्व करते हो, एंड कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए इस पर्सन को ये महसूस होता है कि पास्ट में, मे बी जब आप लोग साथ में थे, ये पर्सन आपको बहुत रिस्पेक्ट नहीं किया करते थे, या फिर इनको ऐसा लगता है दैट आप जो भी डिज़र्व करते हो एक रिलेशनशिप में, ये पर्सन आपको उतना नहीं दे पाए थे। मे बी ये आपको टाइम नहीं देते थे, मे बी आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिए थे, मे बी इतना एफर्ट ये पर्सन नहीं देते थे, इतना प्यार आपको नहीं देते थे जितना आप करते थे इस पर्सन के लिए। सो मे बी पास्ट में इस चीज़ को लेके बहुत बड़ा इम्बैलेंस था आपके सिचुएशन में, बट पाइल वन आई कैन फील इस पर्सन को लगता है दैट यू डिज़र्व अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ। आप एक बहुत ही ऐसे पर्सन हो जो बेस्ट ऑफ
थिंग्स डिज़र्व करते हो, जो बेस्ट डिज़र्व करते हो. सो अगर ये पर्सन पास्ट में आपको हर्ट किए थे कभी, पाइल नंबर वन, ऑलवेज रिमेंबर ये पर्सन को उस बात का पछतावा है. अगर स्पेशली वो लोग जो, अगर आप इस वक्त किसी और के साथ हैं एंड ये पर्सन आपको देख पाते हैं, या फिर अगर आपके सोशल मीडिया पे ये पर्सन देख पा रहे हैं कि आप लाइक आप खुश हो, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप हैप्पी हो, मे बी आपका फिनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छा है, इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा घुटन होती है. इस पर्सन को ऐसा फील होता है दैट काश मैंने ये सब उसके लिए किया होता तो आज हम लोग साथ होते, या काश तब मैं समझदार होता, या तब मैं ये सब गलती अगर नहीं किया हुआ होता तो आज हम लोग साथ होते. यू नो दिस इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी दैट आई एम गेटिंग पाइल वन. सो आई थिंक कुछ लोगों के लिए दैट इज़ द सिचुएशन कि आप लाइफ में मूव ऑन कर चुके हो एंड आप ये रीडिंग देख रहे हो बिकॉज आप बस क्यूरियस हो कि आपके पास्ट पर्सन क्या सोचते हैं. उन लोगों के लिए ये पर्सन रिग्रेट करते हैं अपने हरकतों को, ये पर्सन रिग्रेट करते हैं उन्होंने कैसे आपको ट्रीट किया है. एंड ये जब आपको देखते हैं या आपको ये आपके बारे में जब सोचते हैं, इनको तब और भी ज़्यादा महसूस होता है कि आप लाइफ में कितने आगे बढ़ गए हो, आप कितने खुश हो, आप कितने डिज़र्विंग हो. सो या एंड जो लोग आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो या आप अभी भी अटैच्ड हो इस पर्सन से, आई थिंक ये पर्सन आपके वैल्यू को धीरे धीरे समझने लगे हैं, या एटलीस्ट ये इतना समझते हैं दैट ये आपको जैसे ट्रीट करते थे पास्ट में, आप वैसा ट्रीटमेंट डिज़र्व नहीं करते बिकॉज आप स्पेशल हो, आप में कुछ एक ऐसा टैलेंट है या आप में कुछ एक ऐसा प्लस पॉइंट है जो बाकी लोगों में नहीं है. मे बी आप बहुत केयरिंग हो, मे बी आप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो, जो भी हो, ठीक है. दैट इज़ व्हाट दिस पर्सन फील्स राइट नाउ, पाइल नंबर वन. सो लेट मी सी. एंड ऑल्सो आई फील ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं इस कनेक्शन के बारे में, स्पेशली इस चीज़ के बारे में कि ये इस कनेक्शन में क्या कर सकते थे, क्या नहीं किए, या अगर ये सब कुछ सही सही करते, या अगर सब कुछ सही होता तो ये कनेक्शन कहाँ कहाँ जा सकता था, कितना आगे तक बढ़ सकता था, क्यों नहीं बढ़ा, या फिर प्रेजेंट में अगर आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स है, चाहे वो उनकी साइड से हो, किसी के फैमिली के साइड से हो, या जो भी प्रॉब्लम हो, आई थिंक उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में भी ये पर्सन सोचते हैं. ऐसा नहीं है कि ये पर्सन प्रैक्टिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकली चीज़ों को देखते हैं, सोचते हैं कि कहाँ गड़बड़ है, क्या वो गड़बड़ी ठीक किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है. सो बेसिकली ये रियलिटी को इस वक्त देख पा रहे हैं, ये रियलिटी के लाइक रियलिटी से आंखें मिला के खड़े हैं. दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग. बट देर इज़ सम फॉर्म ऑफ अ रिग्रेट, पाइल नंबर वन. आई डोंट नो क्यों, बट ये पर्सन को कुछ एक रिग्रेट है जो ये करना चाहते थे नहीं कर पाए, या इनको अब फील हो रहा है कि काश वो तब करते तो आज मे बी ये रिलेशनशिप आज भी रहता, या समथिंग वुड हैव हैपेंड. कुछ लाइक ये दिन नहीं देखना पड़ता बेसिकली. सो आई डोंट नो एग्जैक्टली वो क्या चीज़ है, बट देर इज़ अ रिग्रेट. मे बी आपको ये जैसे ट्रीट किए थे उस बारे में इनको रिग्रेट है. आई डोंट एग्जैक्टली नो बिकॉज ये हर किसी के लिए डिफरेंट होने वाला है, पाइल नंबर वन. ओके, टू ऑफ कप्स, फाइव ऑफ व्हील्स एंड द फोर ऑफ कप्स. यस, सी बेसिकली व्हाट आई सी हियर इज देर इज स्टिल लव, देर इज स्टिल दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाँ, यहाँ पे एक अभी भी ये कनेक्शन जो है उसको फील कर पाते हैं ये पर्सन. देर इज स्टिल लव. ये पर्सन को लगता है काश सब कुछ पहले जैसा होता, काश ये पास्ट में वापस जा पाते एंड चीज़ों को चेंज कर पाते. इन्होंने जैसे बिहेव किया उस बिहेवियर को चेंज कर पाते, इन्होंने जो जो डिसीशंस लिया था लाइफ में आपके खिलाफ या इस कनेक्शन के खिलाफ, उस डिसीशंस को चेंज कर पाते. सो ये करते. सो इनको रिग्रेट है कि पास्ट में उन्होंने कुछ नहीं किया या फिर कुछ ऐसा किया जो उनको नहीं करना चाहिए था, ठीक है. एंड आई कैन सी हियर पाइल वन, ये पर्सन आज भी अटैच्ड है आपसे. यहाँ पे आज भी एक बॉन्डिंग ये फील करते हैं, एनर्जेटिक बॉन्डिंग. ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पाए हैं. कहीं ना कहीं आप अभी भी हो इस पर्सन के दिल में, ठीक है. आई डोंट केयर कि आपका ब्रेकअप या सेपरेशन 10 साल पहले हुआ था या 10 दिन पहले, बट आप आज भी मौजूद हो इस पर्सन के अंदर, इन हिज और हर हार्ट समवेयर. बट आई कैन सी यहाँ पे डेफिनेटली एक ब्लॉकेज है, या यहाँ पे एक दूरियाँ हैं.
एक दूरी है बेसिकली. सो दिस कैन बी कि आप लोग डिफरेंट जगहों पे रहते हो, बट मोस्टली मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है दैट दिस इज़ टॉकिंग अबाउट कि ब्लॉकेजेस, बैरियर्स हो सकता था बट नहीं हो पाया, ये पर्सन चले गए थे छोड़ के, या सिचुएशन ऐसा हो गया कि आप लोग साथ में नहीं रह पाए. सो दिस पर्सन इज़ वेरी कोल्ड टूवर्ड्स दैट. इस पर्सन को लगता है दैट मे बी बहुत टाइम बीत गया है, या फिर चीज़ें इतना आप दोनों के बीच में बिटर हो गया है, चीज़ें इतना आप दोनों के बीच में लाइक देयर इज़ अ लॉट ऑफ लूज एंड्स टू दिस सिचुएशन. चीज़ें बहुत ही हाउ टू से इट, लाइक आप दोनों अभी अगर वापस आ भी गए तो शायद चीज़ें पहले जैसी नहीं रहेगी. यू नो दैट इज़ द फीलिंग जो ये पर्सन फील करते हैं कि ये चाहते अगर लाइक ये अगर आज आ भी जाए या आप दोनों वापस भी आ जाओ तो कुछ ऐसी चीज़ें हुई है पास्ट में, या मे बी इस पर्सन ने कुछ ऐसा किया है आपके साथ कि पहली जैसी बात अब नहीं रही आप दोनों के बीच में. सो देर इज़ अ लॉट ऑफ ब्लॉकेज एंड ये चीज़ इस पर्सन को ब्लॉक करता है, इस पर्सन के मूवमेंट को ब्लॉक करता है. सो नेसेसरीली पाइल वन, आई डोंट फील दैट ये पर्सन नेसेसरीली कोई एक्शन ले रहे हैं आपके टूवर्ड्स बिकॉज ऑफ दिस फोर ऑफ कप्स, बिकॉज आई फील दैट ये पर्सन बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड है इस कनेक्शन के बारे में. लाइक रियलिटी में फिजिकली आके आपसे बात करना इस पर्सन के लिए बहुत ही मुश्किल है, ठीक है. बिकॉज कुछ लोगों के लिए है कि इस पर्सन को लगता है चीज़ें खराब हो गया है आप दोनों के बीच में, अब वो चीज़ें जुड़ नहीं सकता. कुछ लोगों के पर्सन को ऐसा लगता है दैट आप मे बी इस पर्सन को कभी माफ़ नहीं करोगे, या फिर जो लोग स्पेशली आप इस वक्त किसी और रिलेशनशिप में हो, या एटलीस्ट इस पर्सन को ऐसा लगता है मे बी कुछ लोगों के मे बी सोशल मीडिया को देख के या आपके बारे में किसी और से सुन के दैट आप अपने लाइफ में मूव ऑन कर चुके हो, आप खुश हो, आप आगे बढ़ चुके हो इस पर्सन को पीछे छोड़ के. उन लोगों के लिए स्पेशली ये पर्सन इसलिए एक्शन नहीं ले रहे बिकॉज इस पर्सन को अब होप नहीं है कि आप दोनों में कुछ हो सकता है, इस पर्सन को होप नहीं है कि सब कुछ पहले जैसा कभी हो भी सकता है या नहीं. बट हाँ, देर इज़ फीलिंग्स, देर इज़ इमोशन स्टिल इन्वॉल्व्ड हियर पाइल वन. ऐसा नहीं है ये पर्सन आगे बढ़ गया है लाइफ में या ये पर्सन बहुत खुश है आपके बिना. आई एम नॉट सेइंग ये पर्सन दुखी है या डिप्रेस्ड है, बट आई कैन फील दैट या देर इज़ स्टिल कॉन्फ्लिक्ट. ये पर्सन मूव ऑन भी नहीं किए हैं 100%. देर इज़ अ ब्लॉकेज हियर पाइल वन. हर किसी के लिए ये ब्लॉकेज डिफरेंट होगा. कुछ लोगों के लिए हो सकता है फैमिली, एट ऑफ व्हील्स, कुछ लोगों के लिए ये फैमिली इश्यूज़ है, कुछ लोगों के लिए ये एज डिफरेंसेस है, नाइट ऑफ व्हील्स. ओके, सो आई थिंक पाइल वन दैट ये जो भी ब्लॉकेज है ये इस पर्सन के लिए ओवरकम करना बहुत मुश्किल है. बट आई वुड से इस वक्त ये पर्सन कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, बट इस पर्सन को ये पर्सन ऐसे चीज़ों को देखते हैं दैट अगर कभी हो पाया, अगर कभी ये ब्लॉकेजेस हट गए, अगर कभी मुझे इतना भी हिंट मिल गया कि यहाँ पे कुछ हो सकता है, या फिर अगर कभी किस्मत ने चाहा, भगवान ने चाहा, तो मे बी कुछ हो जाए. सो द एनर्जी इज़ लाइक ये पर्सन उठ के एक्शन ले रहे हैं, ऐसा मुझे फील नहीं हो रहा है पाइल नंबर वन. बट अगर कभी ये मेंट टू बी है, अगर किस्मत में लिखा है, तो यही होगा, ऐसा आपके पर्सन को लगता है, ऐसा आपके पर्सन सोचते हैं. क्या वो प्यार करते हैं अभी भी? फीलिंग्स है, अटैचमेंट्स है, एंड जिन लोगों के लिए रिसेंटली आपका ब्रेकअप हुआ है, डेफिनेटली प्यार है, ठीक है. बट क्या उनको होप है? आई वुड से ज़्यादा होप नहीं है, बिकॉज कुछ लोगों के लिए आप मूव ऑन करके आगे बढ़ गए हो लाइफ में, एंड बाकियों के लिए इस पर्सन को लगता है चीज़ें इतना बिगड़ गया था आप दोनों के बीच में कि अब उसको वापस पहले जैसा करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल काम है. सो होप कहाँ से आए, दैट इज़ द सिचुएशन. बट जिन लोगों के लिए ये पर्सन आपको बिट्रे किए थे, या ये पर्सन आपको पास्ट में दुख पहुँचाए थे, हर्ट किए थे, इस पर्सन को रिग्रेट है एंड ये आपके वैल्यू को समझते हैं. ओके, ये डेफिनेटली आपके वैल्यू को समझते हैं आज कि उन्होंने क्या खोया है एंड उनको क्या करना चाहिए था या क्या नहीं करना चाहिए था पास्ट में, उन्होंने गलती कहाँ किया. सो बेसिकली रियलिटी अब उनके सामने है.
इन द नियर फ्यूचर, आपका गाइडेंस कार्ड है इन द नियर फ्यूचर, सो मे बी आप इस पर्सन से वापस सुनोगे या रिकॉन्टैक्ट होगा आप दोनों के बीच में इन द नियर फ्यूचर. नियर फ्यूचर यूजुअली 3 मंथ्स से लेके 6 मंथ्स हो सकता है, 1 ईयर भी हो सकता है. सो पीसफुल रेजोल्यूशन. ओके, सो कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आएंगे चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए. अगर आप दोनों में कन्फ्यूशन रह गया है, बाकी कुछ जानना है आपको, सवाल रह गया है, अनकहीं बातें रह गई है, कंक्लूशन कभी हुआ नहीं है इस सिचुएशन में, फाइनल बातें कभी हुआ नहीं है, फाइनल बातें अगर नहीं भी है तो अगर कुछ बाकी रह गया है आप दोनों में अंडरस्टैंड करना, आई सी दैट हैपनिंग. सो कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो नियर फ्यूचर में, बट ये नियर फ्यूचर लाइक 6 मंथ्स हो सकता है, 1 ईयर भी हो सकता है. सो टेक हाउएवर इट रेजोनेट्स. आई एम हियरिंग बर्थडे, सो मे बी किसी के बर्थडे पे दिस पर्सन कॉल्ड यू या फिर दिस पर्सन विल कॉल यू इन योर बर्थडे. फॉरगिवनेस, यस, हो सकता है ये पर्सन आके माफ़ी मांगे आपसे, पॉसिबल है, बिकॉज इस पर्सन को ये पर्सन रिपेंट करते हैं इन्होंने क्या किया है. देर इज़ अ नो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. ओके, यस, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, दिस इज़ एन एक्स्ट्रा कार्ड. सो जिन लोगों के मन में भी ये सवाल था, अगर कोई पर्टिक्युलर सवाल था, मे बी इट्स अ नो फॉर राइट इस वक्त के लिए, मे बी इट्स अ नो, बट विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों के अंदर आई थिंक आपको कोई ऐसा न्यूज़ मिलेगा इस पर्सन से या कोई पर्टिकुलर कम्युनिकेशन मिलेगा जो आपके मन में बहुत सारे डाउट्स है उसको सॉल्व करेगा. बी असर्टिव, यस, बहुत सारे डाउट्स को सॉल्व करेगा. सो स्पिरिट इज सेइंग कि इस वक्त नेगेटिव मत हो जाना या पॉजिटिव भी मत हो जाना कि या फिर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना कि जब बात होगा ऐसे ही होना चाहिए, वैसे ही होना चाहिए. स्पिरिट इज सेइंग बी असर्टिव, बी ऑप्टिमिस्टिक एंड सी व्हाट हैपेंस. ठीक है, सो पहले से प्लान नहीं करना है, पहले से हड़बड़ी नहीं करनी है, वेट नहीं करना है, एक्सपेक्टेशन नहीं बिठा के रखना है, बिकॉज ये बस एनर्जीज पे डिपेंडेंट है. बट आई कैन फील दैट यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी बाकी है. सो कम्युनिकेशन इज़ कमिंग, पाइल नंबर 1. एंड जब ये कम्युनिकेशन आए, बहुत मैच्योरली डील करना, जो भी क्लियर आउट करना है क्लियर आउट करना, हैव अ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन एंड उसके बाद डिसाइड करना कि क्या ये रिलेशनशिप रिपेयर पॉसिबल है या दिस इज़ द एंड. ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई एम हैविंग फॉर यू माई पाइल नंबर 1. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर ये रेजोनेट किया, अच्छा लगा हो, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली. मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय. हाय एंड वेलकम बैक पाइल नंबर 2. सो जिन्होंने भी ये ओपन अप चूज़ किया है नंबर 4, आप मेरे पाइल 2 है. सो लेट अस सी कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी फीलिंग्स क्या है आपके लिए, एंड लास्ट में हम लोग गाइडेंस देखेंगे. ओके, द फर्स्ट कार्ड इज़ हाई प्रीस्टेस. इंटरेस्टिंग करंट एनर्जी एंड फीलिंग्स ऑफ दिस पर्सन स्पिरिट. ओह, सो आई फील दैट ये पर्सन फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही सीक्रेटिव पर्सन है. या 4 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन एक सीक्रेटिव पर्सन है, या इस पर्सन के साथ आप जब थे पास्ट में या अभी भी अगर हो, आई डोंट नो, आपको लगता है दैट ये पर्सन खुल के बात नहीं करते हैं. एंड आई गेस आपका कार्ड भी था ओपन अप, सो आपको लगता है ये पर्सन ओपन अप नहीं करते हैं आपके सामने, ओपन नहीं है, प्रॉब्लम शेयर नहीं करते हैं, प्रॉपरली बताते नहीं हैं कि इनको प्रॉब्लम क्या है या आखिर चाहते क्या है, इनका इंटेंशन क्या है, लॉन्ग टर्म क्या है. अगर आप पूछते हो लॉन्ग टर्म में क्या होगा, इस पर्सन के पास जवाब नहीं है. अगर झगड़ा हो जाए, आप पूछते हो कि ये क्या चाहते हैं आपसे, इनके पास कोई जवाब नहीं है. सो आई थिंक देर इज़ अ लॉट ऑफ सीक्रेट्स, एंड ये चीज़ आपको बहुत फ्रस्ट्रेट करती है इस रिलेशनशिप में, आपको परेशान करती है कि एक रिलेशनशिप में इतने सीक्रेट्स क्यों हैं. कुछ लोगों के लिए ये सीक्रेट्स शायद ये पर्सन नहीं कर, लाइक ये पर्सन छुपाते नहीं है, बट आपको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में अभी भी बहुत कुछ बाकी है, बट वो चीज़ आपके पर्सन समझते नहीं है. ये रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट आपके पर्सन बहुत ही इमेच्योर एक्ट करते हैं. इस पर्सन को समझ में नहीं आता है कि इस रिलेशनशिप का इम्पोर्टेंस क्या है. सो आई एम फीलिंग दैट कुछ लोग यहाँ पे आपके पर्सन को बहुत इमेच्योर सोचते हो, कुछ लोग, नॉट
everybody here. So what I feel, pile two, first of all, yes, this person is closed off, definitely. High Priestess, Five of Swords, Four of Swords, ये person closed off है, emotionally unavailable है, and I think ये कोई नई बात नहीं है, ये already आपको पता है, and maybe इस person ने आपको block करके रखा है, या अगर आप इस person को reach out करने की कोशिश किए हो, maybe ये बहुत rudely reply किए है, या reply तक नहीं किए है, so I feel this is somebody जो completely blocked है, जो completely अपने energies को कैद करके रखे हैं अपने अंदर, ठीक है, ना ये किसी से बात करते हैं प्रॉपरली, स्पेशली आपसे, ना ये आपको कोई क्लैरिटी देते हैं अपने फीलिंग्स के बारे में या इस रिलेशनशिप के फ्यूचर के बारे में. सो आई कैन अंडरस्टैंड पाइल टू कि आपके लिए कितना फ्रस्ट्रेटिंग एनर्जी है. द थिंग इज़ करंट सिचुएशन में ये पर्सन एक स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश कर रहा है. आई एम हियरिंग द वर्ड स्ट्रैटेजाइजिंग, स्ट्रैटेजी. सो स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं अबाउट हाउ टू डील विद द सिचुएशन. आई थिंक मोस्टली आप जो पर्सन से डील कर रहे हो, बहुत लोगों के लिए ये एक कमिटमेंट फोबिक पर्सन है. कमिटमेंट फोबिक पर्सन इज समबडी जो कमिटमेंट से डर लगता है जिसे. नॉट नेसेसरीली कि इसका मतलब कि वो आपको चीट करते हैं, नहीं, बट इनको कमिटमेंट से डर है. ये लॉन्ग टर्म के लिए प्रोमिसज करने से डरते हैं. Yes, and I think that is what is happening with this person. I feel ये person को पता है आप valuable हो. ऐसा नहीं है इस person को आप ये आपको value करते नहीं है. इस person को पता है आप valuable हो, but I think there is a lot of inner healing जो बाकी है इस person में. ये person खुद को enough value नहीं करते हैं. That is the reason इनका heart chakra blocked है. That is the reason ये लव को रिसीव करना नहीं जानते हैं, लव को गिव करना नहीं जानते हैं. एंड व्हेन आई से इस पर्सन को हीलिंग ज़रूरत है, या ये अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं एनाफ, इसका मतलब ये नहीं कि ये बाहर क्या दिखाते हैं. अगर ये बाहर ऐसा दिखाते हैं कि ये खुश है, या फिर ये ईगोइस्टिक है, या लाइक ये खुद के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, इससे कुछ भी प्रूव नहीं होता है. पाइल टू, इससे कुछ भी प्रूव नहीं होता ये बाहर क्या बोलते हैं या क्या दिखाते हैं, बिकॉज डीप इनसाइड ये पर्सन हील्ड नहीं है. इस पर्सन में चाइल्डहुड ट्रॉमास है, या पास्ट से कोई बैगेज है जो ये कैरी कर रहे हैं, या फिर सेल्फ वर्थ इश्यूज है, जिस कारण से इस पर्सन को लगता है ये कुछ भी अच्छा चीज़ हैंडल नहीं कर सकते लाइफ में. अगर इनके साथ कुछ अच्छा हो जाए, ये इनको बिलीव ही नहीं होता है, या तो ये उस चीज़ को इतना डाउट करने लगते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो गया, सच में ऐसा हो गया, सच में ये ट्रू लव है, दैट डाउट करते 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 वो उस मैनिफेस्टेशन को ही ब्लॉक कर देते हैं अपने लाइफ में, वो उस ब्लेसिंग को ब्लॉक कर देते हैं. सो दैट इज़ द प्रॉब्लम, दैट इज़ द प्रॉब्लम. आई डोंट फील इस पर्सन को आपसे कोई भी प्रॉब्लम है. इस पर्सन को हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. ये पर्सन कमिटमेंट फोबिक है, पाइल नंबर टू. ये पर्सन श्योर नहीं है कि कैसे हैंडल करना है मैच्योरली इस सिचुएशन को, आपको कैसे ट्रीट करना है, बिकॉज ये आपको वैल्यू तो करते हैं, बट लाइक अगर फॉर एग्जांपल आप एक बहुत ही जो एक गरीब इंसान है, ठीक है, उसके हाथ में अगर आपने आके आज एक डायमंड थमा दिया, वो उसको पता है कि अरे ये तो डायमंड है, ये बहुत कीमती है, ये बहुत ही लाइक बहुत कीमती एक चीज़ है, बट उसका लाइक उस डायमंड को लेके वो गरीब इंसान करेगा क्या, वो कहाँ रखेगा, उसके घर में, यू नो, वो खुद ही शायद सड़क पे रहता है, तो वो कहाँ रखेगा उस डायमंड को जाके, ठीक है. सो दैट इज़ द सिचुएशन. मैंने बस एक एग्जांपल लिया है, डोंट गेट ऑफेंडेड एनीबडी. सो दैट इज़ द थिंग, इस पर्सन को पता है आप बहुत कीमती हो, बट इस पर्सन को ये नहीं पता कि इस कीमती चीज़ को लेके क्या करना है, क्या वो इस कीमती चीज़ को संभाल पाएंगे, एंड वो बाहर कैसे आता है, वो जो डिस्ट्रेस है इनके अंदर, वो जो अनहील्ड एनर्जीज है, वो जो ब्लॉकेजेस है, ये जब वो बात करते हैं तब पता चलती है. कैसे, ये पर्सन रूड है, ये पर्सन मे बी ऐसा बिहेव करते हैं कि ये किसी को वैल्यू नहीं करते, ये इगोइस्टिक है मे बी बाहर से, बट अंदर से ऐसा कुछ भी नहीं है. अंदर से ये पर्सन खुद ही कन्फ्यूज्ड है. इस पर्सन को पता है आप वैल्यूएबल हो, एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम. इस पर्सन को पता नहीं है इस कनेक्शन के साथ क्या करना चाहिए उनको. सिक्स ऑफ कप्स, ये पर्सन मिस करते हैं आपको. अगर आप इस पर्सन के साथ नहीं हो,
ब्रेकअप सेपरेशन डिवोर्स व्हाटएवर फोर ऑफ व्हील्स या दिस इज समबडी जो आपको लिटरली मिस करते हैं. आई कैन अंडरस्टैंड ये पर्सन थोड़े से इमेच्योर है पाइल नंबर टू एंड इस पर्सन को भी पता है. ये पर्सन को फील होता है दैट इनका जो वे ऑफ एक्शन है या ये जैसे एक्ट करते हैं ये जो बोलते हैं करते हैं ये बहुत ही इमेच्योरिश है या फिर आपके नज़रों में इमेच्योर है बिकॉज मे बी आप एक बहुत ही मेच्योर सेंसिबल इंसान हो या बहुत ही अंडरस्टैंडिंग हो बट ये पर्सन थोड़े से सेल्फिश कहना सही नहीं होगा. ये पर्सन थोड़े से ना समझ है यू नो ये हड़बड़ी में चीज़ें बोल देते हैं कर देते हैं सुनते नहीं हैं किसी का एंड देन मे बी रिग्रेट करते हैं देन मे बी 10 बार सोचते हैं. सो ये करने से पहले सोचते नहीं हैं करके फिर सोचते हैं एंड दिस इज़ समथिंग जो ये पर्सन रियलाइज़ करते हैं. मे बी इन्होंने ऐसा किया भी है आपके साथ इन्होंने आपको कुछ ऐसा बोल दिया है एंड देन इनको बुरा लगा है बाद में जब वो सोचे हैं उस चीज़ के बारे में. सो दैट इज़ द प्रॉब्लम. ये पर्सन डोंट वरी पाइल टू ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं ये पर्सन आपको वैल्यू भी करते हैं बट द प्रॉब्लम इज दिस पर्सन इज़ नॉट रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये पर्सन रेडी नहीं है एक रिलेशनशिप का रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी उठाने के लिए इमोशनली. ठीक है ये पर्सन इमोशनली उतने अवेलेबल नहीं है ये इनका हार्ट चक्रा उतना ओपन नहीं है ये पर्सन अंदर से उतने हील्ड नहीं है कि ये आपको समझे आपको खुश रखे आपको वैल्यू करे जितना आप डिज़र्व करते हो. दैट इज़ द प्रॉब्लम. सो ये बेशक आपके वैल्यू समझते हो ये बेशक ये चीज़ समझते हैं कि ये इमेच्योर है ये ऐसी हरकतें कर देते हैं बट जब तक वो उस चीज़ को चेंज नहीं करेंगे जब तक वो अंदर से ये रियलाइज़ नहीं करेंगे कि दिस इज़ टाइम टू लेवल अप तब तक नथिंग कैन चेंज. फोर ऑफ कप्स नाइन ऑफ कप्स ये चाहते आपको हैं पाइल टू. दिस पर्सन रियली रियली वॉन्ट्स यू या आपके साथ रहना चाहते हैं आप इस पर्सन के लिए विश फुलफिलमेंट हो बट द प्रॉब्लम इज़ द फोर ऑफ कप्स. विश फुलफिलमेंट तो आप हो बट इस विश को फुलफिल करने के लिए जो एक्शन ज़रूरी है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूरी है उसका क्या उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा दैट इज़ द क्वेश्चन. सो यू आर लाइक समबडी जो इस पर्सन के लिए विश फुलफिलमेंट है. आप एक ऐसे पर्सन हो जो इस पर्सन को लाइफ में बहुत हैप्पी रख सकता है या सकती है लाइक यू आर रियली रियली प्रेशियस एंड वैल्यूएबल पाइल टू इस पर्सन के लिए. बट द प्रॉब्लम इज ये पर्सन को पहले ग्रो करना पड़ेगा इस पर्सन को पहले मैच्योर्ड होना पड़ेगा इस पर्सन को थोड़ा सा और समझदार बनना पड़ेगा तभी जाके ये रिलेशन आगे बढ़ सकता है. एंड आई एश्योर यू पाइल नंबर टू इस रिलेशनशिप में बहुत सारा पोटेंशियल है इतना पोटेंशियल है दैट यू गाइस कैन बी द फ्यूचर हस्बैंड एंड वाइफ आई एम टेलिंग यू. बट व्हाट इज़ नेसेसरी इस पर्सन के बिहेवियर में चेंज लाना एंड वो कोई भी नहीं कर सकता ट्रस्ट मी. हर किसी का एक हीलिंग जर्नी होता है एंड जब तक ये पर्सन खुद वो रियलाइज़ नहीं करते हैं खुद जब ये पहला कदम उस जर्नी पे नहीं रखते हैं वो कोई कुछ नहीं कर सकता. सो यू विल हैव टू वेट इधर एंड फॉर द डिवाइन टाइमिंग या फिर अगर आपको लगता है दिस इज़ टू मच फॉर यू आप मूव ऑन करना चाहते हो आप बेशक कर सकते हो पाइल टू. इट्स अप टू यू इट्स एब्सोल्युटली अप टू यू आप क्या करना चाहते हो उस रिलेशनशिप के साथ बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि इस पर्सन की जो बिहेवियर है जो सोच है थोड़ा सा वो इमेच्योर है थोड़ा सा वो अनहील्ड है जो आपको भी अफेक्ट कर रहा है एंड ऑब्वियसली आपकी रिलेशनशिप को भी. ओके सो लेट अस सी गाइडेंस क्या है. चूज़ अ न्यू डायरेक्शन. सो आप एक डायरेक्शन चूज़ कर सकते हैं अगर आपको लगता है बिकॉज आई थिंक आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो इस पर्सन से एंड यू वॉन्ट टू मूव ऑन. इट्स अ येस. सो अगर आपके अंदर कोई सवाल है आपके मन में द आंसर इज़ येस. वो एक हाँ है जो भी सवाल था. बी असर्टिव. या सो दिस इज़ अ टाइम कि आप डिसीशन ले पाइल नंबर टू. दिस इज़ योर डिसीशन. इस पर्सन पे वेट नहीं करना है
कि ये पर्सन डिसीजन लेंगे, बिकॉज़ ये पर्सन खुद अपना ही डिसीजन नहीं ले पा रहे, या आपका या इस रिलेशनशिप का डिसीजन इस वक्त नहीं ले सकते। रिमेन पॉजिटिव। अगर आप वेट करना चाहते हो, अगर आपको लगता है नहीं ये पर्सन इम्पॉर्टेंट है, आई विल नॉट लीव दिस पर्सन, इट्स ओके, आप वेट कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, इफ़ यू बिलीव। ठीक है, सो यू आर रेडी इफ़ यू बिलीव। कुछ लोग आई फील पायल टू, आप रेडी हो टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, टू मूव ऑन इन लाइफ, आप रेडी हो अपने लाइफ में नेक्स्ट चैप्टर में जाने के लिए, इस पर्सन, इस कनेक्शन को एंड करने के लिए, एंड आई थिंक दैट इज़ ओके। स्पिरिट इज सेइंग आप बेशक कर सकते हो, इट्स अ ग्रीन सिग्नल फॉर यू। एंड कुछ लोग आई फील यहाँ पे अभी भी पॉजिटिव हो, आप अभी भी रहना चाहते हो, देखना चाहते हो क्या होता है, चांस देना चाहते हो इस पर्सन को, वो भी सही है, वो भी ठीक है, इट्स अप टू यू। एंड या बी पॉजिटिव एंड बी असर्टिव, ठीक है। सो या दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू पायल टू, एंड आई होप ये आपको अच्छा लगेगा एंड रेजोनेट करेगा। अगर करे देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, एंड मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। हाय एंड वेलकम बैक पायल नंबर 3। सो जिन्होंने भी ये नेचर वाला कार्ड चूज़ किया है, नंबर 3, आप मेरे नंबर 3 है, सो लेट अस फाइंड आउट कि आपकी पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, फीलिंग्स क्या है आपके लिए। पायल नंबर 3, एनर्जी एंड फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, पायल नंबर 3। ओके, द स्टार, अमेजिंग। या आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज, जेंडर मैटर नहीं करता है, बट आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज आपके पायल से। सो कुछ लोगों के लिए ये आपके मैरिड पार्टनर हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए आप अपने फेमिनिन एनर्जी में हो इस वक्त, दैट इज़ ब्यूटिफुल। सम ऑफ यू आई फील यहाँ पे कुछ लोग प्रेगनेंट हो, या यू आर गोइंग टू बी अ मदर सून, मदर और फादर, सो देर इज़ अ लॉट ऑफ नर्चरिंग फेमिनिन एनर्जी। आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप नर्चर कर रहे हो, आप किसी चीज़ को ग्रो करने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, यू आर क्रिएटिंग समथिंग ब्यूटिफुल। पायल 3, बहुत सारे लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल हो, या तो आप मैनिफेस्टर्स हो, या आप कुछ मैजिक करते हो, आई डोंट नो व्हाट, बट यू आर रियली रियली ग्रेट, ग्रेट इन द सेंस आप बहुत ही मैजिकल हो। या देर इज़ अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअल वाइब्स इन दिस पाइल, आई डोंट नो वाओ। ओके, सो व्हाट इज़ दिस पर्सन फीलिंग, ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं, सो एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती है। एनीवेज, सो इस पर्सन की जो करंट एनर्जी है, फीलिंग है, दैट इज़ आई कैन सी यहाँ पे एक सेपरेशन हुआ है, या इस वक्त आप लोग सेपरेशन में हो करंटली, एंड देर इज़ अ लॉट ऑफ रिफ्लेक्शन टू दिस। आप सोच रहे हो, ये पर्सन भी सोच रहे हैं, क्या हुआ है, क्या हो सकता है, बट पाइल 3, आपके पर्सन इस वक्त बहुत ही एक मैच्योर एनर्जी से सोच रहे हैं। इस पर्सन को समझ है दैट इस कनेक्शन को रिकवर किया जा सकता है। सो दिस इज़ समबडी जो बिलीव करता है या करती है, जेंडर डजंट मैटर अगेन, जो बिलीव करता है कि इस रिलेशनशिप को आगे लेके जा सकते हैं, अगर हम दोनों ने एफर्ट डाला तो ये रिलेशन आगे जा सकता है, ज़रूरी नहीं है ये यहाँ पे एंड हो जाए। सो इनका जो एटीट्यूड है इस रिलेशनशिप के तरफ, आपके तरफ, वो काफ़ी पॉजिटिव है, वो काफ़ी ज़्यादा होपफुल है। एंड ये पर्सन ये भी रियलाइज़ करते हैं कि इस रिलेशनशिप में क्या क्या चेंजेस लाना ज़रूरी है ताकि ये रिलेशनशिप आगे बढ़ पाए। क्या प्रॉब्लम क्या है आप दोनों के बीच में? मे भी पहले ये पर्सन कंफ्यूज थे, मे भी पहले ये पर्सन रेडी नहीं थे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, मे भी पहले ये पर्सन को समझ में नहीं आता था कि प्रॉब्लम क्या है, या सोल्यूशन ही नहीं पता था उस प्रॉब्लम का। मे भी पहले ये पर्सन काफ़ी होपलेस हो गए थे, मे भी आपको बोलते थे कि इसका तो हो ही नहीं सकता, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो ख़त्म हो गया सब कुछ। बट राइट नाउ आपके पर्सन पायल 3 काफ़ी होपफुल है, या धीरे धीरे करके ये मैच्योरली डिसीशंस ले रहे हैं, मैच्योरली चीज़ों को, रियलिटी को देखना चालू किए हैं, दैट
ठीक है, ये प्रॉब्लम है, इसको ऐसे सॉल्व किया जा सकता है, दैट इज़ वेरी गुड, ओके। एंड इस पर्सन को पहले बहुत गुस्सा आता था या आपको बहुत गुस्सा आता है, एंड ये मैसेज बहुत ही एक या दो जन को ही रेजोनेट करेगा आई फील। अगर इस पर्सन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था पहले, ये पर्सन रियलाइज़ करते हैं इस वक्त कि उस गुस्से के कारण ये आपको बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलते थे या कुछ उल्टा सीधा हरकतें किए थे जो उनको करना नहीं चाहिए था। सो वो आपसे यही कहना चाहेंगे इस वक्त कि वो लाइक वो उनका गुस्सा था जो ये रिज़ल्ट लाया है आज। अगर वो गुस्सा नहीं होते तो वो आपको इतना बुरा ट्रीट नहीं करते, या उन्होंने जो स्पेसिफिक अगर उन्होंने कुछ किया था वो वैसा नहीं करते। सो वो उनका गुस्सा था, वो उनका इंटेंशन नहीं था, वो बस गुस्से में आके कुछ कह दिए थे या कर दिए थे। ये सिर्फ कुछ लोगों को ही रेजोनेट करेगा, आई अंडरस्टैंड, बट अगर आपको करता है लो, वरना इट्स ओके। दैट इज़ वॉट आई एम फीलिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिफ्लेक्शन, देयर इज़ अ लॉट ऑफ सोचना पहले जाके, इंट्रोस्पेक्शन कि क्या गलती हुआ है, कैसे ठीक किया जा सकता है, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। ये पर्सन आपको एज अ लाइक आप ऑलरेडी इस पर्सन से शादीशुदा थे पास्ट में या हो, अगर नहीं हो, ये पर्सन आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग पोटेंशियल देख पाते हैं दैट आप डेफिनेटली इस पर्सन के लिए मैरिज मटेरियल हो। लाइक अगर आप इस पर्सन को लगता है आप उनके वाइफ बनने के काबिल हो या उनके हस्बैंड बन सकते हो। या थ्री ऑफ व्हील्स फॉर सम ऑफ यू, मे बी दिस वॉज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन दैट यू ऑलरेडी मैरिड है या आप ऑलरेडी मैरिड हो, बट अगर वो भी सिचुएशन है आई थिंक ये पर्सन वुड लाइक टू रीच यू आउट। सेवन ऑफ सोर्ड्स द सन, या सो दिस पर्सन फील्स दैट अभी टाइम आ गया है, या फिर दिस इज टाइम टू ओपन अप, दिस इज द टाइम टू ब्रिंग क्लैरिटी, कम फॉरवर्ड। बहुत दिन हो गया ये चुप बैठे हैं, बहुत टाइम हो गया आप दोनों चुप बैठे हो, आप दोनों नाराज़ हो, आप दोनों ओपन अप करने के लिए रेडी नहीं हो, आप दोनों के पास क्लैरिटी नहीं है इस कनेक्शन के बारे में, एंड दिस इज़ द टाइम आपके पर्सन ये डिसीशन लिए है, या इनको लगता है दैट अभी समय आ चुका है कि क्लैरिटी लाया जाए, बात किया जाए, कॉन्वर्सेशंस किया जाए, एंड इस सिचुएशन का लाइक जो इस सिचुएशन पे लाइट डालना बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत टाइम हो चुका है इस सिचुएशन को मैच्योरली डील करना बहुत इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ व्हाट योर पर्सन फील्स। इस वक्त ये काफ़ी फॉर सम ऑफ यू मे बी ये पास्ट में आपको चीट किए थे किसी और के साथ, एंड दैट इज़ द रीज़न। सो अगर ये पास्ट में चीट किए थे, ये अब आके बोलना चाहते हैं आपको कि रियलिटी क्या है, क्यों किए थे, क्या हुआ था। मे बी पहले आप बहुत सारे सवाल किए थे, बट ये पर्सन इतने मैच्योर थे कि उन्होंने प्रॉपर आंसर नहीं किया था, उन्होंने गुस्सा दिखाया, ब्रेकअप कर लिया, जो भी। एंड आई थिंक ये पर्सन इस वक्त वो मैच्योरिटी गेन किए हैं, डिसीशन लिए हैं दैट इट इज़ टाइम कि वो सामने आए, बात करें, आंसर करें आपके क्वेश्चंस को, एंड क्लैरिटी लाए कि क्या हुआ था या क्या हो सकता है। बट ये भी सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए रेजोनेट करेगा, बाकियों के लिए आई फील दैट दिस इज़ द टाइम ये पर्सन रियलाइज़ किए हैं, डिसीशन लिए हैं, एंड ये बस सामने आके चीज़ों को और भी क्लियर करना चाहते हैं, एक प्रॉपर मैच्योर वे में आके सामना सामने बात करना चाहते हैं कि या हाई प्रीस्टेस ये सीक्रेट विक्रेट अब नहीं रखना चाहते, यू नो, जो भी पहले अंधेरे में था ये उस पर लाइट डालना चाहते हैं बेसिकली इस कनेक्शन में। फाइव ऑफ कप्स, यस, दिस पर्सन इज़ वेरी अनहैप्पी आपके बिना, इस कनेक्शन के बिना। मे बी इनको पहले लगा था कि ये जी लेंगे, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अब ये रियलाइज़ करते हैं कि इतना भी आसान नहीं है, प्यार से भागना इतना भी आसान नहीं है। एट ऑफ वॉन्ट्स, यस, दिस पर्सन वॉन्ट्स कम्युनिकेशन एक्शन, ये पर्सन डेस्परेटली कम्युनिकेशन या एक्शन चाहते हैं, एंड आई फील ये पर्सन कुछ ना कुछ एक्शन कम्युनिकेशन करेंगे बहुत जल्द, बिकॉज देर इज़ अ लॉट फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये पर्सन कहना चाहते हैं आपसे, देर इज़ अ लॉट जो ये पर्सन क्लियर आउट करना चाहते हैं आपके साथ,
अंधेरा था जिस जिस टॉपिक पे इस रिलेशनशिप में ये लाइट डालेंगे. सो दिस इज़ द टाइम ये पर्सन एक्शन लेने के लिए धीरे धीरे एवरी डे तैयार हो रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है अब चेंजेस होना ज़रूरी है, ऐसे नहीं चल सकता. इट इज़ टाइम, द टाइम हैज़ कम. फाइल नंबर 3. ओके, सो लेट मी सी और इज़ द गाइडेंस. ओके, सो योर फर्स्ट कार्ड इज़ अ येस. सो अगर आपके मन में कोई सवाल था स्पेसिफिक, वो येस है. आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स. हो सकता है आप अपने गाइड से हेल्प मांग सकते हो, अपने गॉड एंजल से, एंसेस्टर से, जिसमें भी आप मानते हो, कि वो आए आपको हेल्प करे, आपको क्लैरिटी दे या स्ट्रेंथ दे, एनीथिंग. ट्रस्ट, या सो देर हैज़ बीन अ ब्रेक ऑफ ट्रस्ट कुछ लोगों के लिए यहाँ पे. इस पर्सन ने आपके ट्रस्ट को ब्रेक किया था या आपने इस पर्सन के ट्रस्ट, सो देर वॉज अ ब्रेक ऑफ ट्रस्ट, किसी ने किसी के ट्रस्ट को ब्रेक किया था. एंड दिस इज़ समथिंग स्पिरिट वॉन्ट्स यू टू टॉक अबाउट. ठीक है, ट्रस्ट इश्यूज पे बात करना जब ये पर्सन वापस आए. डू यू ट्रस्ट दिस पर्सन? क्या आप फॉरगिव किए हो इस पर्सन को? Abundance, beautiful. So I think there is a chance कि ये relationship वापस reconcile हो जाएगा या फिर repair हो जाएगा जो भी ख़राब हुआ है. Because first of all, okay, I have to take action. First of all, आपके person काफ़ी मुझे positive नज़र आ रहे हैं आपके situation को लेके. But communication is always your first priority. Clarity लाना भी बहुत important है किसी भी situation में. सो फॉर मेजॉरिटी 60-70% आई थिंक यहाँ पे रिकन्सिलिएशन हो जाएगा बहुत ही स्मूदली. एंड बाकी 20-30% के लिए आई थिंक पहले थोड़ा सा आप दोनों को एक टर्म्स कंडीशंस पे आना पड़ेगा कि क्या हुआ था एग्जैक्टली, क्या आप ट्रस्ट कर पाओगे वापस इस पर्सन को, क्या आप चांस दे पाओगे एक दूसरे को वापस एक बार, क्या सब कुछ पहले जैसा हो सकता है. एंड देन इट्स अप टू यू. सो हमारे यहाँ पे येस भी है, हमारे यहाँ पे नो भी है. टेक विच एवर एज नीड्स एंड टेक एक्शन बोला है यहाँ पे, बट आई थिंक ये एक्शन आपके पर्सन लेने वाले हैं, नॉट यू. अगर आप चाहो आप ले सकते हो, इट्स योर विश, बट आई वुड सजेस्ट कि आप वेट करें एंड आपके पर्सन को एक्शन लेने दें, बिकॉज आई फील दिस पर्सन विल टेक एक्शन. ठीक है, ये पर्सन ही एक्शन लेंगे. एंड ट्रस्ट द सिचुएशन, हैव फेथ, अबंडेंस इज कमिंग. जो भी हो जाए आपके लिए, देर विल बी अबंडेंस, देर विल बी हैप्पीनेस. सो आपको वरी करने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. पाइल नंबर 3, एंड दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू. सो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, रेजोनेट किया होगा. अगर किया है देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली. एंड मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.